तो आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं LG फ्रिज, बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रिज है जिसकी मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मॉडल कॉस्ट क्या है, तो चलिए हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे देख सकते हो फ्रिज बिल्कुल नया फ्रिज है, हम इसकी पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये मॉडल है LG का, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। LG का मॉडल है और इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर होता है और 10 साल की इसमें वारंटी भी रहती है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आप ये देख सकते हो 2-स्टार फ्रिज है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही अच्छा इसमें एक है कि इसमें आपका एक साल में सिर्फ 248 यूनिट ही यूज़ होगा, यानी 250 जितना यूनिट आपका यूज़ होगा, जिससे आपकी एनर्जी में बहुत ही अच्छी सेविंग होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका अप्लायंस और ब्रांड कौन सी है, LG ब्रांड है मॉडल, और ये 2020 का बिल्कुल मॉडल है, नया मॉडल है। और इसका जो कैपेसिटी है वो 260 लीटर, यानी 260 लीटर इसकी कैपेसिटी। और इसमें दोस्तों विदाउट स्टेबिलाइज़र वर्क्स, विदाउट स्टेबिलाइज़र यानी इसमें आपको स्टेबिलाइज़र की कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलाइज़र इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें और एक ख़ास बात ये, इसमें दो डोर होते हैं, स्मार्ट इन्वर्टर होता है, स्टेबिलाइज़र इसमें नहीं हमें लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं दोनों डोर अंदर से फ्रिज कैसा है। और ख़ास बात इसकी कैपेसिटी 260 लीटर है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो 260 लीटर की। जैसे कि आप देख सकते हो हमने ऊपर का जो डोर है उसको ओपन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें इसमें जो आइस मेकर की ट्रे दी गई है ऊपर की तरफ फ्रोजर में, और यहाँ पे आप नीचे भी कुछ भी चीज़ें रख सकते हो। यहाँ ये टेम्परेचर का है, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो, और नीचे की तरफ भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरेज की आपकी इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छी स्टोरेज और ज़्यादा स्टोरेज बल्क स्टोरेज इसमें आपको दी गई है। इसमें आप ऊपर बर्फ़ रख सकते हो, नीचे कोई भी जो है मच्छी चिकन जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ से आप टेम्परेचर का सेटिंग कर सकते हो, और वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको टेम्परेचर कितना रखना है और टेम्परेचर को कैसे सेटिंग करना है। जैसे आप यहाँ पे अभी देख सकते हो अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 3 सेल्सियस पर है और मिनिमम टेम्परेचर 1 सेल्सियस पे। मान लो आपको यहाँ से डाउन करना है, अगर मान लो 3 से आपको 2 सेल्सियस पर ले जाना है, तो सिंपल आपको बहुत ही थोड़ा स्क्रॉल राइट साइड पे स्क्रॉल करना है तो 2 पे आ जाएगा। और अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है जिसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर कौन सी सीजन में कौन सा रखना है, यानी विंटर है, समर है, मॉनसून में आप कौन सा टेम्परेचर और जो फ्रीजर का नॉब है वो कहाँ पे रख सकते हो। और दोस्तों ये देख सकते हो आप ऊपर की तरफ साइड में 2 ट्रे भी दी गई है जहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ें रख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो समर, मॉनसून और विंटर की इसमें दी गई है कि फ्रीजर नॉब और रेफ्रिजरेटर नॉब कितने पे हमें रखना है, इसमें सारी डिटेल्स दी गई है। तो इसको आपको फॉलो करना है और इसके हिसाब से ही आपको टेम्परेचर या फ्रीजर नॉब है या रेफ्रिजरेटर नॉब है उसको सेटअप करना है, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना ज़रूरी है जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके हिसाब से ही हमें टेम्परेचर को सेटअप करना है, ठीक है दोस्तों। और ये हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये है ऊपर का डोर, अब हम देख लेते हैं नीचे का डोर जो कैसा है। तो चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड पे जो पट्टी है इसे हम निकाल रहे हैं, और
इसमें दोस्तों खास बात यह है कि एनर्जी कंजप्शन आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है, एक साल में आपका सिर्फ 248 वॉट यूज़ हो रहा है। ओहो हो, देखिए दोस्तों ये अंदर नीचे का जो डोर है उसमें आपको चार लेयर यानी चार ट्रे दी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। दोस्तों ये जो नीचे एकदम दिया गया है इसमें आप वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसको आप रख सकते हो, फ्रेश जोन है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक कैसे यूज़ करना है उसका एक मैनुअल दिया गया है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और सारी इसमें डिटेल्स दी गई है कैसे सेटअप करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसका टेम्परेचर कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, तो इसको आप देख लेना। और इसकी कॉस्ट जो है दोस्तों मार्केट में ऑफ़र चल रहा है, 22,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, आप ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें चार लेयर दिए गए जिससे आप सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से इसमें रख सकते हो, स्टोरेज की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये बेस्ट फ्रिज है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके बजट है 25,000 तक का तो ये फ्रिज आप खरीद सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें आप वेजिटेबल फ्रूट और ऊपर के लेयर में भी आप जो है बॉटल्स है पानी के वो सब आप रख सकते हो आसानी से, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम साइट का भी देख लेते हैं कि साइट में कितनी ट्रे दी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते ऊपर की तरफ दो छोटी ट्रे दी गई है और एक नीचे ट्रे दी गई है और उसके नीचे भी एक ट्रे दी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें टोटल चार ट्रे दी गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फ्रिज और इसकी क्वालिटी और इसका जो फीचर्स है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो भी बताइए, मैं इसके लिए वीडियो अलग से बना दूँगा। और 2-स्टार फ्रिज है, 10 साल की वारंटी भी मिल रही है, इसकी कैपेसिटी 260 लीटर है और एनर्जी कंजप्शन बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये फ्रिज आप ख़रीद सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।